इसराइल और हमास जंग के बीच हाल में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन और अरब लीग की संयुक्त बैठक हुई। बैठक का मकसद मुस्लिम देशों में एकजुटता दिखाते हुए इसराइल पर दबाव बनाने की कोशिश हुई। सऊदी अरब ने इसराइल से हमला तुरंत रोकने के लिए कहा है, तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इसे इसराइल पर एक्शन का वक्त बताया है। उन्होंने कहा कि अब बातचीत का नहीं, एक्शन का समय आ गया है। सऊदी अरब ने बैठक की अध्यक्षता की और वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि गाजा में जो हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसराइल जिम्मेदार है। इस दौरान उन्होंने इसराइल को कब्जादारी भी बताया। मोहम्मद बिन सलमान ने तुरंत सीज फायर की मांग भी की। रियाद में हुई इस बैठक में गाजा में जारी इसराइली हमलों को लेकर मंथन हुआ, जिसमें सऊदी, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की समेत कई देशों ने खुलकर सीज फायर की मांग की। वहीं ईरान, अल्जीरिया और लेबनान जैसे कई देशों ने तो इसराइल के लिए तेल की सप्लाई ही रोकने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन सकी। इस प्रस्ताव को यूएई और बहरीन समेत 3 देशों ने रोक दिया। इस तरह इसराइल पर किसी ठोस एक्शन पर सहमति इस्लामिक देश नहीं बना सकी। मुस्लिम देशों की ये बैठक महज खाना पूर्ति मालूम हो रही है। बैठक में गाजा पर इजरायली हमलों की निंदा तो जरूर हुई, लेकिन इसराइल के खिलाफ कोई ठोस प्लान निकल कर नहीं आया। अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन की मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि इसराइल के हमले अगर जारी रहे तो फिर दूसरे देशों पर भी असर होगा, लेकिन इसराइल के खिलाफ तुरंत क्या एक्शन लिया जाए इस पर कोई बात नहीं हुई। हालांकि बैठक के दौरान सबसे मुखर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी दिखे। उन्होंने कहा कि इस्लामिक देशों को इसराइल की सेना को आतंकी संगठन घोषित करना चाहिए, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बनी। उधर ईरान, अल्जीरिया और लेबनान ने मांग की कि जिस तरह इसराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है उसे रोकने के लिए तेल की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। इसके अलावा अरब देशों को उससे अपने आर्थिक और कूटनीतिक संबंध खत्म करने चाहिए। इस पर यूएई और बहरीन समेत 3 देशों ने एतराज जताया और ये प्रस्ताव खारिज हो गया। बता दें कि बहरीन और यूएई ने 2020 में इसराइल के साथ संबंध सामान्य किए थे। इनके बीच अब्राहम एकॉर्ड पर समझौते भी हुए थे। इस बैठक से ठीक पहले हमास ने मीटिंग में शामिल लोगों से मांग की थी कि वो इजरायली दूतावासों को अपने देशों से बाहर करें। जॉर्डन ने तो पहले ही अपने देश से इजरायली राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कहा था और वो इजरायल से अपने राजनयिक बुला चुका है। उधर मुस्लिम देशों की इस मीटिंग के दौरान सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद भड़के दिखे। उन्होंने कहा कि अगर हम कोई ठोस एक्शन ही नहीं लेंगे तो फिर बातों का कोई मतलब नहीं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।